हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म कहे दिल जिधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। अब काफ़ी दिनों से पिछले पूरे वीकेंड से हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में हमें बताया जाए, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चूँ, ये फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के अपोजिट रिलीज़ हो रही थी, और मैंने ये रिलीज़ से पहले ही बोला था कि बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, रिलीज स्ट्रेटजी है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कि इस फिल्म को स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ रिलीज़ किया जा रहा है। क्योंकि जब भी एक लोकल फिल्म या छोटी फिल्म बड़ी फिल्म के ऑपोजिट रिलीज़ होती है तो उसे अच्छा खासा ओवरफ्लो मिलता है, और उस ओवरफ्लो की वजह से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस करने में कामयाब होती है। मैं पास्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो हमने देखा 2-3 साल पहले बागी 2 के साथ केक रिलीज़ हुई, और बागी 2 रिलीज हुई 30th मार्च और केक भी रिलीज़ हुई 30th मार्च को। हालांकि केक को अगर एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया जाता तो 23rd मार्च में थी, जो कि एक नेशनल हॉलीडे था, एक हॉलीडे वीकेंड मिलता। लेकिन फुटप्रिंट जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने स्मार्टली मूव प्ले किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को इतनी बड़ी स्टार कास्ट फिल्म है नहीं, तो इसको हम ज़रा डिले करते हैं, हम इसको 30th मार्च पे ले जाते हैं। 30th मार्च को बागी 2 के ऑपोजिट रिलीज़ किया गया। बागी 2 एक स्ट्रॉन्ग फिल्म थी, 2 करोड़ का ओपनिंग डे आया, 6 करोड़ के अराउंड ओपनिंग वीकेंड आया, उसका ओवरफ्लो हुआ। उस ओवरफ्लो का फ़ायदा ये हुआ कि केक ने 1 करोड़ से ऊपर का ओपनिंग वीकेंड लिया। जब ओपनिंग वीकेंड 1 करोड़ से ऊपर आया, पीपल वेंट टू सिनेमास। जब लोगों ने वो फिल्म देखी तो इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल आया, जिसकी वजह से आने वाले वीकेंड में लोगों को उसका हमें होल्ड देखने को नजर आया बॉक्स ऑफिस पर, और एक अच्छे नंबर ओवरऑल 6.5 करोड़ का बिजनेस कर गई केक। अब अगर ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ना लोगों को ड्रॉ कर पाती, 20 या 30 लाख का ओपनिंग वीकेंड होता, तो उससे आगे जितना मर्जी होल्ड कर पाते फिल्म करोड़ 1.5 करोड़ पे राउंड आउट हो जाती है, इनकी फोल्ड आउट हो जाती। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ मैं स्पाइडरमैन नो वे होम और कहे दिल जिधर की परफॉर्मेंसेस के साथ। वेल, नो डाउट स्पाइडरमैन नो वे फ्रॉम होम इज बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, पोस्ट पेंडेमिक सबसे बड़ी फिल्म थी, बट दिस डजेंट मीन कि आप उसके साथ किसी और मूवी को चांस न दें। जो हुआ वीकेंड पर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और मैं स्पेशली ना सिर्फ डिसअपॉइंटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि आपकी लोकल फिल्म रिलीज हो रही है और एग्जीबिटर्स ने उस फिल्म के शोज धड़ाधड़ कैंसिल किए वीकेंड पर। सबसे पहले न्यूज़ ये आई कि फिल्म के वीकेंड पर शोज कैंसिल हो रहे हैं, एंड एग्जीबिटर्स जो हमारे सिनेमा मालकान हैं, जो सिनेमा के उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया, जो सुनने मार्केट में आया, जो हर जगह स्प्रेड किया गया कि जिस फिल्म में कोई आ नहीं रहा तो शोज आर गेटिंग कैंसिल, वी आर गिविंग इट टू स्पाइडरमैन नो वे होम। वेल, व्हेन आई डिग इट फर्दर, जब हमने इसको मजीद डिग किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ओवरफ्लो क्यों नहीं आ रहा, शोज कैंसिल क्यों हो रहे हैं, देन वी केम टू नो दैट सिनेमा एग्जीबिटर्स आर डेलिबरेटली, वो जान बूझ कर कहे दिल जिधर के शोज कैंसिल करके स्पाइडरमैन को दे रहे हैं। दिस वॉज सो डिसअपॉइंटिंग टू नो, ऐसा भी हो रहा है। मैं कुछ सिनेमा घरों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मल्टीप्लेक्स बड़ी चेंज ऐसा भी कर रही थी कि हमने देखा कि शोज के 8-10 टिकट सोल्ड हो चुके हैं, देयर इज लाइक 30 मिनट्स रिमेनिंग इन द शो, और लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कहे दिल जिधर है कि टिकट दे दें, वो कहते हैं जी शायद वो शो कैंसिल हो जाए, आप स्पाइडरमैन का टिकट ले लें। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज सो दैट व्हेन द टाइम कम्स दे विल से यार लोग इतने आए नहीं तो हम उसको शो दे रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दैट, आप ऐसा कर क्यों रहे हो? यू हैव ऑलरेडी एलोकेटेड 80-90% शोज टू स्पाइडरमैन, आपको दूसरी फिल्म को चांस देना है, दिस इज व्हाट ओवरफ्लो इज। आप अगर लॉ बुक भी खोल लें, रूल बुक में आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि लॉ में क्या एसओपीज क्या हैं, उसमें जाना नहीं चाहता। व्हाई आर यू नॉट गिविंग वन स्क्रीन टू योर लोकल फिल्म, देन उसके बाद पूरा साल रहते हो कि लोकल सिनेमा वाले लोकल प्रोड्यूसर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, फिल्म नहीं बना रहे। ये वन लोकल प्रोड्यूसर जो एक फिल्म लेकर आ जाता है, अब उसके साथ ये करते हो कि आप एक स्क्रीन डेडिकेट नहीं कर सकते। अगर एक मल्टीप्लेक्स वाले जिसमें 3-4-5 स्क्रीन्स हैं, वो एक स्क्रीन कहे दिल जिधर को डेडिकेट करते, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, उसमें का ओपनिंग वीकेंड है। अब वीकेंड के बाद अगर लोग फिर भी नहीं आए, वो ओवरफ्लो की वजह से भी नहीं आए, वैसे भी नहीं आए, या ओवरफ्लो की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिल्म को, वीकेंड के बाद आप नहीं लगाते, अंडरस्टैंडेबल, अब वीकेंड भी नहीं कर रहे, दैट ब्लोज माई माइंड। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हमने लोकल कंटेंट को सपोर्ट ही नहीं करना। वेल, इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल्स देखने को हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताई, ऐसा भी देखने में आया हमें कि भाई लोग आ रहे हैं। वेल, एस ओ पीज और रूल के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फिल्म के अगर 10-15 टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं तो आप उसको शो कैंसिल करते हैं। वेल, हमने ऐसा भी देखा कि इसके अंदर लोग भी आ रहे हैं, और हमने फिर भी देखा कि शो को जानबूझ के कैंसिल किया जा रहा है, और मेरे पास ऐसे भी हैं रिपोर्ट्स आई कि जिनमें सेल्समैन सिटिंग ऑन द काउंटर दे आर टेलिंग पीपल आप स्पाइडरमैन देखें वो ना देखें। व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसे अपनी लोकल फिल्म को क्यों कह रहे हो? या तो भी फिल्म के बहुत ही बुरे रिव्यूज आए हों और बहुत बुरा, और आपने जी कस्टमर को गाइड कर रहे हैं, और यू सीरियसली किडिंग भी कि आप इस तरह अपने कस्टमर को गाइड कर रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ कह रहे हैं कि इनकी मूवी ना देखें लोकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ,
जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब हमने डिग किया और ये सब चल रहा था कि जानबूझ कर शोज कैंसिल किए जा रहे थे ताकि स्पाइडरमैन को ज़्यादा मजीद जगह दी जाए, बिकॉज द न्यू कैर स्पाइडरमैन का तो अगर हमने एक और शो एक्स्ट्रा भी चला दिया उसने फुल हो जाना है, कहे दिल जिधर है का वो फ्लो की वजह से हो सकता है 50% ऑक्यूपेंसी पर जाए, तो क्या आप इतना कौन सी एसओपी को बताती है कि आप वो 50% वाले को छोड़ के 100% वाले को चलाएंगे? आई डू नो कि एग्जीबिटर की मर्जी होती है किसको कौन सा शो दे, किसको कैसे शो दे, बट दैट डजेंट मीन कि अगर आप एक लोकल फिल्म रिलीज हुई आप उसको टोटल वाइप आउट कर दें कि हम इससे शो ही नहीं देंगे, फिर वो स्पाइडरमैन चल रही उसी को सारे शो देंगे। दैट मीन्स इंग्लिश फिल्म, लेट मी टेल यू, इंग्लिश फिल्म का मैं हिस्ट्री तक पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओवर द ईयर कितनी आई, उन्होंने कितना बिजनेस किया, जब लाइक आपको सारी डिटेल दे सकते हो, अगले साल क्या 3 या 4 ऐसी होंगी जो 10 करोड़ का बिजनेस कर लेंगी। इन द एंड यू हैव टू कम टू दैट लोकल कॉन्टेंट। इन द एंड हमारी सईद की ईद उल अज़हा फिल्म आएगी जो 50 करोड़ करेगी। इन द एंड ईद उल फितर में मौला जेटली आएगी जो 50 करोड़ का बिजनेस करेगी। इन द एंड ये लोकल प्रोड्यूसर्स ही हैं, ये नए प्रोड्यूसर्स ही हैं जो उठेंगे फिल्म बनाएंगे जिनकी फिल्म आपके सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, you can't move ahead until you depend on local content. पर अगर local content post pandemic इतने बुरे हालात में एक नया producer बनाता है और आप उसको proper support नहीं करते, that disappoints, that hurts me as well. अच्छा, इसके अलावा मैं एक और सिचुएशन यहाँ बताता चलूँ जो हमने मजीद डीप की तो हमें पता चली, वो ये था कि एक शो ऐसा हुआ फिर वो कैंसिल नहीं हुआ, which we also reported, हमने उधर गए, हमने खुद भी देखा, मैं मल्टीप्लेक्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो नहीं कैंसिल हुआ क्योंकि टीम उधर थी, उन्हें नहीं हुआ। Then what we saw, जब शो शुरू हुआ उसके उस वक्त 10-15 लोग थे, बाय द टाइम फिल्म स्टार्टेड 10-15 मिनट्स के अंदर दैट शो गॉट लाइक 50-60% फुल। नाउ दिस इज व्हाट ओवरफ्लो इज, ये ओवरफ्लो होता है और ये दुनिया में हर जगह होता है, बड़ी फिल्म के साथ छोटी फिल्म को ओवरफ्लो मिलता है, और दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैंने ये देखा कि बड़ी फिल्म के साथ छोटी फिल्म को ओवरफ्लो नहीं मिला जस्ट बिकॉज एग्जीबिटर जानकर शोज को शेल्व कर देंगे। आप चलाएं शो, जो लोगों को स्पाइडरमैन का टिकट नहीं मिल रहा वो उधर आएंगे, इट्स गुड फॉर योर ऑन इंडस्ट्री, एक प्रोड्यूसर एक पाकिस्तानी लोकल फिल्म में देखेंगे, वीकेंड पे यूं ही होता है, वीकेंड पे आप चलाते हैं, देन यू डिसाइड कि यार उसके ऊपर लोग जो आए थे उन्होंने इस फिल्म को जिन्होंने ओवरफ्लो में देखी पसंद आई नहीं आई, क्या वो दोबारा इंटरेस्टेड होंगे इसको देखने के लिए, उसके मुताबिक अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करते हो, और वीकेंड के ऊपर ही जानकर ही शोज सर्व करते रहें। सेकेंड पॉइंट जो मुझे इसके अंदर रेज करना है, जिसका मुझे मजीद इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, दैट होल इंडस्ट्री एज ए यूनिट हैज टू स्टैंड टू दिस। ये सारी चीज़ पूरी मार्केट में ओवर द वीकेंड आ गई थी, but no one cared to talk about this, all want to talk about just Spider-Man doing big business. Bahut khushi hai, we were the first ones, we are the only ones giving the box office numbers of Spider-Man. Hum wahid log hain jo ye track kar rahe hain box office numbers Spider-Man ke, aur jo inthai khushi ke sath bata rahe hain ki kitne records bana rahi ho film, lekin wahin par is disappointment ko bhi samne lana tha, aur iske andar bahut disappointment hui as a industry, aur sabse zyada disappointment hui पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन से, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कोई भी प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा नहीं हुआ, सबसे एसोसिएशन ही खड़ी हुई, एसोसिएशन को सामने आना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी टाइम गुजरा नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड इज क्रिसमस, कायदे आज़म के बर्थडे की हॉलीडे भी आ रही है, आगे विंटर ब्रेक्स शुरू हो रही हैं, स्टिल देर इज़ टाइम, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि फिल्म को प्रॉपर शो टाइम्स दिए जाएँ। मैं सिंपल सी बात करूँगा जो हमेशा होती है, मैं इधर मजीद अगर आप लोग कहेंगे तो मजीद स्टैट्स लाकर सामने रख दूंगा, हिस्टोरिकली मैंने केक और बागलपुर की इसीलिए एग्जांपल दी बिकॉज वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ था, यहाँ पर नहीं हुआ। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था कि आपको शो टाइम देने पड़ेंगे, आपको जितने भी मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं जिनके 3, 4, 5, 6, 7 स्क्रीन है, दे हैव टू एटलीस्ट 1 स्क्रीन डेडिकेट उन्हें करनी पड़ेगी इधर कहे दिल जिधर को। अगर वो करते देन आई कैन गारंटी यू कि फिल्म का क्यों ना 1 करोड़ से ऊपर आता। अगर बागी 2 के साथ केक का 1 करोड़ का ओवरफ्लो आ सकता है तो यहाँ पर जहाँ पर स्पाइडरमैन जो उससे भी ऑलमोस्ट 50-60% ज़्यादा बिजनेस करी बागी 2 से स्पाइडरमैन, तो उधर क्यों नहीं आएगा? मैंने एक शो की आप एग्जांपल दी जहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ एक मल्टीप्लेक्स पर जाकर शो चलवाया गया, आपके सामने मैंने बताया कि 50-60% ईजिली ऑक्यूपेंसी चलेगी। अगर आप शो इसी तरह देंगे, एक स्क्रीन डेडिकेट करेंगे, तो आपकी स्क्रीन 50-60% में जाएगी शाम के शोज में, एंड दैट्स हाउ द फिल्म विल कलेक्ट, that's how you will give spoke, you will give chance to your own industry. और यहाँ पर ही producer association को stand लेना पड़ेगा, they have to come forward, they have to talk with exhibitors, distributors को भी stand लेना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, because distributor ने सिर्फ English films थोड़ी release करनी है, जो कि साल में से मैं अगेन बताऊँगा 3-4 ही बड़ी आएंगी ना। अब उठाकर देख लें Avengers Endgame के बाद नेक्स्ट बड़ी हिट स्पाइडरमैन ही आई है, इवन हॉलीवुड की अपनी कलेक्शन उठा लें उसके बाद सबसे बड़ी हिट यही आई है, इट took them like couple of years, इससे बात बड़ी कौन सी होगी? लाइक आई कैन, मैं आपको उंगली पर गिनवा सकता हूँ 3 या 4 ऐसी फिल्में होंगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम बता रहा हूँ। हिस्ट्री में जब से सिनेमा इवॉल्व हुआ है
2010 के बाद से 11 साल हो गए हैं, सिर्फ 6 फिल्में ऐसी आई हैं इंग्लिश जिन्होंने 2 करोड़ का बिजनेस किया। वेल, ये डिफरेंस इधर आता है कि हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन को यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आई एम मोर देन डिसअपॉइंटेड व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड, बिकॉज मैं बहुत ही खुशी के साथ इस चीज़ को बता रहा था बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म कि ओवरफ्लो होने जा रहा है, और मैं सबको बता रहा था कि भाई ओवरफ्लो होता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को ये चीज़ समझनी होगी। दुनिया में हर जगह होता है, एक बड़ी फिल्म का छोटी फिल्म को एक बेनिफिट होता है, और ये चीज़ रिलीज स्ट्रेटजी को मैं समझता था और मैं हमेशा बताता था, और मैं पास्ट एग्जांपल्स भी देता था जो हुई हैं, और फ्यूचर में कहता था प्रोड्यूसर्स को कि ये किया करें बिकॉज दैट बेनिफिट्स योर फिल्म। बट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो वीकेंड पे हुआ है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपको अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग ऊपर नहीं आएंगे। अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर दोनों के नंबर्स प्लस कर लें, जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी दो हिट है, तो एक जवानी फिल्म यानी 2 जितने बॉक्स ऑफिस नंबर्स बनते हैं। लोकल कॉन्टेंट उसने चलना है तो सिनेमा में उठना है। आप कभी भी हमेशा नहीं डिपेंड कर सकते फॉरेन कॉन्टेंट पर। यस इट स्पोर्ट्स, इट गिव्स बूस्ट, उस बूस्ट को मजीद ऊपर लेकर जाता है आपका लोकल कॉन्टेंट, सो उसको समझना होगा। एंड स्टिल देयर इज टाइम, नेक्स्ट वीकेंड भी है, उसके बाद आगे विंटर वेकेशंस भी। आई होप एग्जीबिटर्स भी इस चीज़ को समझें, आई होप प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी इस चीज़ का नोटिस ले, और इस फिल्म को प्रॉपर जो शो टाइमिंग्स इसकी बनती हैं वो कमिंग डेज में दी जाए। थैंक यू वेरी मच।